इतनी दैवीय संपत्ति है तो उसके अंदर नहीं कर सकते कुछ आपत्ति खड़ी कर देकर। निश्चित रूप से सिंगरौली रेल लाइन का विकास चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए यार भाई, सब लोग विकास चाहिए। हम लोगों ने पहले कोई काम नहीं, जितना काम हो गया बड़े सहज तरीके से करवाया। किसानों ने अपनी जमीनें दी, जो कुछ मुआवजा दिया, चार गुना हर स्टेट में मिलता है, हमको दो गुना मिला, हमने वो भी मान लिया है ना। यूपी में आप चले जाइए, किसानों को चार गुना मुआवजा मिलता है, पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमको दो गुना दिया, पर वो भी मान लिया हमने। इसलिए मान लिया कि हमारे लड़कों को रोजगार मिल जाए, है ना। हमने हमने सहयोग किया, हमने आप देख लीजिए आपके RPF में कहीं एक भी FIR हुई हो, निर्माण कार्य के दौरान किसी ने बाधा पहुंचाई हो, कोई गुंडे बदमाश बदमाशी किए हो, तो पर हमारे साथ अपना जबरदस्त अन्याय हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि चार साल से लड़के आवेदन करके रखे हैं। कुछ लड़कों की तो ये स्थिति है कि उनका ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया गया है, मेडिकल स्क्रीनिंग हो गई। ट्रैक में रुकवाए थे सर, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किसी से नहीं जा रहा है, काम रुकवा दिया गया है। ये है कि काम को रोक दिया जा रहा है, ये कर रहे हैं जी सर, ये भी कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अगर ये न करते टाइम लगेगा, वो आएंगे, एक टाइम बता दे कब आएंगे। 32 दिनों लगातार सिंगरौली के जो ये नौजवान रेलवे की गाइडलाइन के हिसाब से इनको पराश्रित परिवार नौकरी देनी, और उनमें बहुत सारे लड़कों को नौकरी दे दी, और बीच में 2019 के बीच में एक इवेंट निकाला, उसके पहले जितने फॉर्म भरे गए बहुत सारे लड़कों को उसी गाइडलाइन में नौकरी दी गई, और बहुत सारे लड़के अब नौकरी मेडिकल हो गया, उनका ट्रेनिंग हो गई, केवल उनको नियुक्ति मिलनी थी, बीच में रेलवे ने रोक दिया। अब वो लड़के बेचारे भाग रहे हैं, अब आगे लोग ये नौकरी मांग रहे हैं। 2 मिनट भैया, थोड़ा सा भाई साहब, ये बताएं आप कि ठीक है 2019 के बाद आपने एक नियम, एक 2 मिनट बाद